नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दिन भर। मैं आपके साथ औरंगजेब किस्मत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दंगाल वितरण घटना के तहत आसनसोल वार्ड नंबर 27 की भाजपा काउंसलर 45 तिवारी, जो कि साबित मेयर जतिंदर तिवारी की पत्नी है, 14 तारीख को भाजपा की तरफ से कंबल तकसीम करने के दौरान भगदड़ मचने से दो औरतें समेत एक बच्ची की मौत हो गई थी। इससे कबल दो बार 45 तिवारी के फ्लैट में नोटिस लगाई गई थी। 45 तिवारी की गैर हाजिरी की वजह से पुलिस को नोटिस लगाकर वापस आना पड़ा था, लेकिन आज सुबह जैसे ही पुलिस को खबर मिली कि जतिंदर तिवारी और इनकी अहलिया 45 तिवारी घर पे है, पुलिस के आला अफसरान फ्लैट में दाखिल होकर पूछताछ करना शुरू की। आला अफसरान समेत 8 अहलकार पूछताछ कर रही है। पूरी तफ्तीश को वीडियो रिकॉर्डिंग करने की सख्त हिदायत की गई है। बड़ा सवाल उठता है, पूरी तफ्तीश के दौरान मीडिया को दूर रखा गया है। पुलिस के जाने के बाद साबिक आसनसोल मेयर मौजूदा भाजपा लीडर जतिंदर तिवारी ने न्यूज दिन भर के टीम से क्या कुछ कहा, दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और मिलवाते हैं जतिंदर तिवारी से, उन्होंने क्या कुछ कहा। हमी एखी चैताली संगे देखा कर लसुस्थ आता जानते परलम जो हमें कोर्टर अर्डारे जी इन्भेस्टिगेटिंग अफिसार जिन आके तदंत कर एक अनुमति देवा কিন্তু আমি চৈতালির কাছে কথা বলে যেটা জানতে পারলাম যে প্রায় 6-7 জনের একটা টিম গিয়ে ইনভেস্টিগেট করছে, কিন্তু অর্ডারে শুধুমাত্র আয়োগকেই বলা ছিল এই 6 জন কেন করলেন জানি না। এবং এটা ঠিক যে কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে ম্যাক্সিমাম একদিনে 2 ঘন্টা আপনি জেরা করতে পারবেন, ম্যাক্সিমামটা ইউজ করতে হবে। আধ ঘন্টা আগেও একটা মহিলাকে ছেড়ে দেওয়া গেল না, একদম পাক্কা 2 ঘন্টাই নাকি করেছে। মানে তৃণমূলকে খুশি করার জন্য যা যা করণীয় সবটাই করছে, এই কেসে তদন্ত ওনারা করছেন। এই কেসকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা যাতে খুশি হয়, তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা যাতে বেটার ওয়েতে এখানে আরো পলিটিক্যাল কর্মকাণ্ড চালাতে পারে তার চেষ্টা তারা করছে, এবং আমাদেরকে দমিয়ে দেওয়া যায় কিভাবে, বিরোধী যারা আছে তাদেরকে কিভাবে দমিয়ে দেওয়া যায় তারা যাতে ময়দানে না থাকতে পারে, তৃণমূল কংগ্রেসে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করতে পারে, তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা না বলতে পারে, তার একটা পরিবেশ তৈরি করতে ব্যস্ত পুলিশ। আমি ধিক্কার জানাই পুলিশের এই অ্যাক্টিভিটিকে, কিন্তু একজনকে বলা হয়েছিল আইওএসএ ইনভেস্টিগেট করবে, সেখানে নাকি শুনলাম 6-7 জন এসেছে, কেন এলেন কাকে খুশি করার জন্য ওনারে বলতে পারে। কিন্তু পুলিশের এই আচরণ, এই যে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে পুলিশের যে আচরণ এই ঘটনার ক্ষেত্রে, এটা ঠিক না। এটা তৃণমূলকে খুশি করা যায় এবং তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা আছেন তারা আজকে দুটো রুটি বেশি খাবেন, তারা খুব আনন্দ যে আমার স্ত্রীকে তারা হেনস্থা করাতে পারলেন, আগামী দিনে আরও হেনস্থা করাবেন এই পরিকল্পনা তাদের আছে, এটা করে তারা খুব খুশি আছে। খুশি থাকুন আর কি বলতে পারি, গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের মোকাবিলা না করতে পেরে এগুলো করছে। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 7 महीने पहले शिमला में गर्भवती महिला की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। 20 मई को रमन नामी शख्स ने इंदिरापुरम थाना पहुंचकर अपने लिविंग पार्टनर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रमन पिछले 4 साल से विसुंधरा इलाके में किराए के मकान में लिविंग पार्टनर दिव्या के साथ रह रहा था। गाजियाबाद पुलिस इस घटने का खुलासा करते हुए रमन से कड़ी पूछताछ में रमन ने बताया कि दिव्या जो इसकी लिविंग पार्टनर थी इससे काफी परेशान था और दिव्या से छुटकारा हासिल करना चाहता था। इसने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए 18 मई को शिमला घुमाने के बहाने ले जाता है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गाड़ी के अंदर ही दबा कर दिव्या की हत्या कर कुल्लू के जंगलों में दिव्या की लाश फेंक दिया और खुद को बचने के लिए रमन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 26 मई को शिमला पुलिस दिव्या की लाश को खोज निकाली। गाजियाबाद पुलिस जब दिव्या के माँ से बातें की तो दिव्या के माँ ने रमन पर शक जताया था। इस तरह से गाजियाबाद पुलिस शिमला पुलिस की ताउन से इस दर्दनाक और खतरनाक हत्या की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हुई। आरोपी रमन पुलिस की हिरासत में। 2022 को शिमला पुलिस ने उसकी बॉडी रिकवर की थी, और उन्होंने शिनाख्त के लिए जो चीजें हमको दिखाई हैं अभी उनके पास कुछ फोटोज थे, उन चीजों से इस महिला उन टैटूज और उन जितनी भी उसकी बॉडी पे मार्क्स थे उनसे इस महिला की पहचान, माँ ने भी बॉडी को पहचाना कि हाँ। कारण इन दोनों का आपसी विवाद को लेकर था, वो महिला से परेशान था, उसका ये कहना है कि मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं इस महिला से छुटकारा चाहता था, उसका ये कारण बताना था। और शक ऐसा हमको हुआ था कि शुरू में जब ये गुमशुदगी लिखी गई थी
तब महिला की महिला के बारे में जानकारी की गई थी, बट अभी उसकी माँ ने ये हमको बताया कि 7 महीने से उसकी बेटी से कोई संपर्क नहीं है, अन्यथा 15-20 दिन में उसकी बेटी उससे संपर्क करती ही थी। तो जब इस बात पे हमने उससे और कुछ साक्ष्य थे हमारे पास उसकी हिस्ट्री को लेके, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को, उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को लेके, तो जब उससे पूछताछ की तो उसने सीखा, हाँ तो पुरुष का तो ये कहना है कि उस पर दबाव बना रही थी, उससे परेशान हो गया था, उससे सुधारा था, इसलिए अभी हमारे पास मुख्य आरोपी तो आ गया है, इसमें और जो चीजें हैं उनके एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई। आसनसोल दुर्गापुर माया बाजार इलाके में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट दिलीप घोष ने चाय पे चर्चा के दौरान रियासती हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी की तहकीकात में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा अनुब्रत मंडल में तृणमूल की जान फंस गई है, अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। माया बाजार इलाके में जमीन न देने की वजह से दुर्गापुर ओवर ब्रिज आमिर में दुश्वारी और दंगाल वितरण घटना पर सियासत की जा रही है। जाए किंतु आईन थे का को बचाना संभव नहीं, आज वो का लोग दिल्ली तक जा के ही हो गए। ठीक है आईन मार पे जाछे हमरा जानी सहजे जजमेंट पहुंचनो जाए ना किंतु होय और होबे हो पूरा 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 बेरी आसबे चाबी और हाथ ही आछे ले যাবে সেজন্য আটটা মাস চেষ্টা মরণপণ চেষ্টা চলছে প্রশাসন পুলিশ সরকার সব একদিকে আর অনুব্রত একদিকে তাকে বাঁচানোটা সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি। पूर्वी बंगाल के हुकुमरा पार्टी टीएमसी और भाजपा के दरमियान कशमकश किसी से ढकी छुपी नहीं है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। जुमरात को एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया। बर्दवान के कालीग्राम में भाजपा लीडर शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग होनी थी। खबरों के मुताबिक उन्होंने 4 बार पुलिस इंतजामिया से इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस इंतजामिया सिक्योरिटी वजूहत का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी। आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के जलसे आम को मनसूख करना पड़ा। अनुवाद के मुताबिक अपोजिशन लीडर शुभेंदु का मीटिंग रात 2:01 मशरकी बर्दवान जिला के कालीग्राम में होना था। भाजपा जिला क्यादत का कहना है कि हुकूमरा जमात के दवा में पुलिस मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय पे। आप देखते रहे न्यूज़ दिन भर।